देख लीजिए, प्रश्न संख्या 60 में क्या कह रहा है कि चार मेज, चार मेज, मेज को टेबल, टेबल को टी से लिख सकते हैं, और तीन कुर्सी प्लस तीन थ्री चेयर, इसकी कीमत 16,500 रुपये है। 16,500 रुपये है। ठीक, ये लिख लिया गया। अब दो मेज, दो घड़ी और दो कुर्सी की कीमत इतने रुपए है? दो मेज टेबल और दो घड़ी वॉच, और दो कुर्सी, दो चेयर, इसकी कीमत कितनी है? 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि तीन मेज और एक कुर्सी की कीमत क्या होगी। अरे भाई, W यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे W दिया है जिसे किसी भी तरीके से इसको से हटाया नहीं जा सकता। अब इससे हटाएंगे नहीं तो ये समीकरण बिल्कुल बेकार हो गया। ये समीकरण क्या हो गया? ये बिल्कुल बेकार हो गया। अब अर्थात सिर्फ एक इक्वेशन रह गई, और एक इक्वेशन से दो चरों वाले समीकरण हल नहीं किया जा सकते। एक इक्वेशन से दो चर वाले समीकरण कभी भी हल नहीं किया जा सकते। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 60 का उत्तर हो गया डी।